जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में मिलने वाले सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी प्रसाद करेंगे घर में मिंटो तैयार। अष्टमी पर धनिया पंजीरी का भोग सबसे महत्वपूर्ण रखता है, सबसे ज़्यादा सेहतमंद और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट, और ठाकुर जी का प्रिय प्रसाद जो पंजीरी है वो सेहत का खजाना होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है। ये आँखों की रोशनी तेज करती है, जोड़ों का दर्द में आराम देती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। और एक बार बनाइए, महीनों भर खाइए, घर के बच्चे बड़े सभी को सेहतमंद पसंद आए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक पैन और इसके अंदर डालेंगे हम 2 टेबल स्पून घी। और मैंने यहाँ पर लिया है कम से कम 1/2 कप या 4 टेबल स्पून बादाम। कुछ बादाम को मैंने 1/2 काट लिया है, जैसे बीच से चाकू से मैंने काट कर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और कुछ साबुत ही खड़े लिए हैं मैंने, तो इनको डालकर मैंने 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लिया। और यहाँ पर अब मैंने उसी तरीके से काजू भी 4 टेबल स्पून लिया है, तो काजू को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इन्हें भी डालकर हम इनको भी 3 से 4 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम करके रख दीजिए और सारी चीज़ों को आप भून लीजिए बहुत आराम से, कोई नहीं जलेगी और कोई नहीं खराब होगी। तो गैस का फ्लेम मेरा एकदम हल्का मीडियम में, मतलब लो टू मीडियम में है। अब यहाँ पर हमने काजू को भून लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप मगज के बीज, मतलब खरबूजे के बीज, तो इनको भी मैं डाल देती हूँ और इन्हें भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। अगर बीज और भी कोई है आपके पास तो कोई भी बीज ले सकते हैं, कद्दू के बीज, तरबूज के बीज या खरबूज के बीज या फिर खीरे के बीज, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं इनकी जगह। तो यहाँ पर देखिए इन खरबूजों के बीज से चट चट की आवाज़ आ रही है, यानी कि ये बीज जो है अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको और मैं भून लेती हूँ अच्छे से क्रंची हो जाए जिससे, और सबको घी में ही भूनना है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है सूखा नारियल, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है बारीक वाले ग्रेटर से, 1 कप भर के लिया है। इनको मैं डाल दूंगी पैन में और इन्हें भी हम हल्का सा लो टू मीडियम में ही फ्राई करेंगे, भून लेंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो आप डेसिकेटेड पाउडर ले सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी पंजीरी बनेगी। तो यहाँ पर इनको भी अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए हमें भून लेना है, थोड़ा सा इनके ऊपर बादामी कलर आ जाए, नारियल के छिल जो लच्छे हैं इनके ऊपर अच्छी तरीके से कोटिंग आ जाए और बढ़िया से इसमें से महक आ रही है, बहुत सुंदर सी, मतलब बहुत खुशबूदार महक आ रही है। तो यहाँ पर लगातार मुझे भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। इस रेसिपी को फ्रेंड्स अष्टमी पर ज़रूर बनाइए, अष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी। तो अब इनको मैंने टोटल 4 से 5 मिनट तक सबको भून लिया है। अब थोड़ा सा पार्ट इसमें से निकाल लेंगे हम और इनको रख लेंगे, बाद में इनको यूज करेंगे हम। तब तक इनको साइड में रख लेंगे, ये ठंडा होना चाहिए, इनको बाद में पीस कर हम डालेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून खसखस यानी कि पोस्ता दाना। अब यहाँ इसको भी डाल देंगे पैन में। और 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है तो इसे भी डाल दूंगी और इन्हें भी लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। खसखस के बीज भी अच्छे से पक जाएं और थोड़े से किशमिश भी पक जाएं, मतलब रोस्ट हो जाएं। अब इनको भी हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे।
और इसमें से बहुत अच्छी गजब की खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और इसे आप बनाकर डब्बे में रख लीजिए, महीने से 2 महीने ये ख़राब नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। इनको बनाकर स्टोर करके रखिए और लगातार आप खाइए। तो यहाँ पर भून कर मैंने निकाल लिया है और सेम पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप धनिया, तो इसे भी डाल देती हूँ पैन में। अब इनको भी लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसमें हल्की सी महक आने लगे बस, और इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इनमें कड़वापन इनके अंदर से आ जाएगा। जब इसे आप खाएंगे ना बनाकर पंजीरी, तो थोड़ा सा स्वाद कड़वेपन पे आ जाएगा। तो बस इनको हमें रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट। और धनिया जो है बहुत ही फायदेमंद होती है, तो लगातार चलाते हुए मैंने इनको भून लिया है। इनका हल्का सा बादामी कलर हो गया है, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, तो इसमें से आवाज़ आने लगी है, तो इनको भी हम निकाल लेंगे 1 प्लेट के अंदर। और मैंने सेम पैन में डाला है 2 टेबल स्पून घी। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मखाना, इनको भी डाल देंगे। मखानों को पहले से चेक कर लेना चाहिए, तो एक मखाना रह गया था, मैंने देखा था इसमें छिलके रह गए थे, तो उनको निकाल लेते हैं, नहीं तो ये मुंह में आते हैं खाते समय। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मखाना और ले लिया है, टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है। 1 कप तो आपको दिखा कर पैन में मैंने डाला और 1 कप मैंने और ले लिया। मुझे मखाना थोड़ा कम लग रहा था, और मखाना खाने में बहुत हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ मजबूत होती है, जोड़ों के दर्द दूर होते हैं, हेल्दी भी होता है, तो इसलिए मखाना मैंने 2 कप लिया है, टोटल 2 कप फ्रेंड्स। चाहे तो आप और ले भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये देखिए अभी थोड़ा सा ये अच्छे से क्रंची नहीं हुए हैं, तो इनको मैं 5 से 10 सेकंड और भून लूँगी और देखूँगी। तो अब ये क्रंची हो गए हैं, तो इनको भी निकाल लेंगे और साइड में रखेंगे 1 प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। अब जो मैंने मिक्सचर भूनते हुए प्लेट में निकाला था, इनको मैं पीस कर दरदरा सा, ये देखिए इनको भी डाल देंगे, जो ज़्यादा सा मिक्सचर थाली में दिख रहा है आपको इसमें। अब यहाँ पर धनिया को जो मैंने रोस्ट करके लिया था, ये भी दरदरा मैंने पीस लिया है। चाहे तो बारीक पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मैंने बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं है ना बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर है, मतलब ठीक है जैसा है। तो इनको भी मैं डाल दूंगी इसी थाली के अंदर। अब मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तो ये देखिए थोड़ा पाउडर के ही फॉर्म में है। अब इनको मैं मिक्स कर थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अब क्या करेंगे हम, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा इसमें हम ले लेंगे इलायची का पाउडर, फ्रेश इलायची कूट कर डालिएगा। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सोंठ का पाउडर लिया है, और मखानों को मैंने पीस लिया है, देखिए दरदरा, इनको भी डाल देती हूँ। तो सभी को मैंने पीस कर डाल दिया है 1 प्लेट में। जिंजर पाउडर अगर आपके पास है, अदरक पाउडर, तो उसे ज़रूर डालिएगा, और इलायची पाउडर को भी डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अभी मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप भूरा, तो ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, या फिर ये नहीं मिलता है या फिर आपके पास नहीं है तो आप चीनी ले सकते हैं, उसको मिक्सी में पीस लीजिए, या फिर तगार ले लीजिए, या फिर धागे वाली मिश्री ले लीजिए, मतलब मीठे में जो भी पसंद है आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर आप गुड़ को बारीक बारीक काट कर गुड़ को भी मिला सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया तगार को मिक्सचर के अंदर, और इसके ऊपर थोड़े से मैंने मखाने बचा कर रखे थे, डाल देती हूँ।
अब ये जो है हमारी धनिया की पंजीरी जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी बनकर तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। ठाकुर जी को बनाकर भोग लगाइए, और ठाकुर जी का फेवरेट है, मनपसंद है पंजीरी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जो लोग देख रहे हैं, आप लोग से निवेदन है मेरा, बहुत मेहनत लगा इसे बनाने में, तो एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।